जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है वैसे ही आइसक्रीम की याद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आइसक्रीम जो है ऐसा कोई भी नहीं होगा जैसे आइसक्रीम पसंद ना हो। चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबको ही आइसक्रीम बेहद पसंद आती है। घर में मिलने वाली आइसक्रीम के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसे केमिकल होते हैं, जो फ्लेवर डला होता है उसमें, कलर डला होता है, जो केमिकल होता है, जो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और जब हम घर में बनाना शुरू करते हैं तो काफ़ी झंझट होता है, जैसे दूध को बहुत ज़्यादा उबालना, जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए तब तक उबालते रहना, उसमें व्हीपिंग क्रीम यूज़ करना, फुल क्रीम यूज़ करना, इस तरह के काफ़ी झंझट होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आइसक्रीम खाने का मन करता है या फिर हमारे घर में बच्चे हैं वो आइसक्रीम खाने के लिए ज़िद करते हैं लेकिन सामान नहीं होता है। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको आइसक्रीम बताने जा रही हूँ उसके अंदर सिर्फ आपको 3 ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, और इस तो चलिए बनाते हैं इस आसान सी आइसक्रीम को। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले तो जितना हमने मैंने जैसे 2 कप दूध लिया है तो उसमें से मैंने इसमें 2 चम्मच दूध ले लिया है, और इसमें भर कर 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है प्लेन वाइट कलर का कॉर्नफ्लोर, और इसको कॉर्न स्टार्च भी बोला जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, इसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे साइड में रख दीजिए। मैंने यहाँ पर आइसक्रीम बनाने के लिए लिया है 2 कप, वो भी गर्म किया हुआ दूध। मैंने कोई गाढ़ा दूध नहीं किया है इसे, बस ये अभी मैंने इसे धीमी आंच पे उबलने के लिए रख दिया है। अब मैं धीरे धीरे इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बनाया था वो हमें इसे धीरे धीरे डालना है, और चम्मच से दूध को हिलाते जाना है ताकि जो इसमें कॉर्न स्टार्च है वो नीचे जाके जमे ना, वरना ये जल जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर चीनी ली है। आइसक्रीम के अंदर चीनी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आइसक्रीम को जमने के बाद में इसमें मीठा थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हमें मीठा इसमें ज़्यादा चाहिए, और आइसक्रीम अगर मीठी होती है तभी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का पाउडर। आप इसमें अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अगर नारियल के पाउडर को स्किप करना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून नारियल का पाउडर लिया, जो सूखा मार्केट में मिलता है वो मैंने नारियल का पाउडर यूज़ किया है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में ये थिक होना शुरू हो जाएगा। जो गैस है वो बिल्कुल धीमी रखनी है, हमें इसे गाढ़ा होने तक उबालना नहीं है। ये देखिए, अब ये थोड़ी धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे, उसके बाद में इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद में ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है और काफ़ी थिक भी हो गया है। अब हम कोई भी आइसक्रीम का जो हमारे पास मोल्ड है, चाहे प्लास्टिक का, ये देखिए मेरे पास में सिल्वर का, मैंने इसके ऊपर से ढक्कन हटा दिया है क्योंकि मुझे इसमें आइसक्रीम की स्टिक लगानी है। आपके पास में अगर प्लास्टिक का मोल्ड है आइसक्रीम का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास में आइसक्रीम की स्टिक है। अब मैं मोल्ड को भर रही हूँ चम्मच से। मेरे 2 कप दूध के अंदर 4 ऐसे मोल्ड की आइसक्रीम बन गई थी, और बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनी थी, ज़्यादा पतली भी नहीं थी। ऊपर से हमें पूरा मोल्ड को नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली छोड़ देना है। मोल्ड को भरने के बाद में मैंने यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट पन्नी ली है, इसे मैं लगाकर इस मोल्ड के ऊपर 2 रबर बैंड से अच्छे से इसे टाइट कर दूंगी, ताकि इसमें फ्रिज में जब हम रखें तो इसमें अंदर बर्फ़ ना जमे। आप पन्नी की जगह फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें स्टिक लगाने के लिए बीच में कट लगा दिया था ताकि मैं इसे आइसक्रीम स्टिक को फिक्स कर सकूं। ये देखिए, मैंने आइसक्रीम स्टिक को इसमें फिक्स कर दिया है। चारों मोल्ड को तैयार करने के बाद में जो इनका मोल्ड का स्टैंड है, मैं उसमें इनको मोल्ड्स को सेट करके इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे जमने के लिए। फ्रेंड्स, हमारी आइसक्रीम जमकर रेडी हो चुकी है। अब इसे मोल्ड को मैं फ्रीज़र से बाहर निकाल रही हूँ। निकालने के बाद मैं इसे, जो मोल्ड पे हमने पन्नी लगाई है, इस पन्नी को रबर बैंड के साथ हम हटा देंगे। 1 गिलास में पानी ले लिया है ताकि जो आइसक्रीम है वो मोल्ड को छोड़ दे। फिर थोड़ी देर हम कुछ सेकेंड के लिए हाथ से रब करेंगे मोल्ड को, जिससे कि आइसक्रीम आसानी से निकल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी
ज़बरदस्त और अच्छी आइसक्रीम बनकर हमारी रेडी हुई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि इसे घर में बनाया है, बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी। और हमने सिर्फ इसके अंदर ज़्यादा सामान भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ 3 ही सामान यूज़ किया है। अगर आप इसे और भी ज़्यादा फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें छोटी इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।